गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही डिमांडेड वीडियो, जो कि है जीएसटी ई वे बिल ब्लॉक होने के बाद अनब्लॉक कैसे करते हैं, उसका लाइव प्रैक्टिकल डेमो। काफी लोगों की ये डिमांड आ रही थी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी स्टेप बाय स्टेप ये समझ आ सके कि जीएसटी का ई वे बिल एक बार ब्लॉक हो गया तो अब आप उसे अनब्लॉक कैसे कर पाएंगे। लेट स्टार्ट द वीडियो। ये मैंने ओपन किया हुआ है आपके सामने जीएसटी पोर्टल, और इस पर्टिकुलर जीएसटी नंबर का ई वे बिल पोर्टल जो है अभी ब्लॉक किया गया है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ये जीएसटी नंबर कि ये अभी ब्लॉक्ड स्टेटस में है या ये अनब्लॉक्ड स्टेटस में है। वो मैंने अपना जीएसटी नंबर वहां से कॉपी किया है और यहाँ पे डाल के एक बार इसका स्टेटस हम लोग सर्च करेंगे, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ब्लॉक्ड स्टेटस में शो होने लग रहा है ब्लॉक्ड। जीएसटी नंबर है हमारे पास सेम जीएसटी नंबर जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। दिस जीएसटी नंबर हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न्स फॉर द लास्ट टू सक्सेसिव मंथ्स, मतलब दो महीने की रिटर्न्स अभी तक इसमें फाइल नहीं की गई है। यहां पर मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक अपनी GSTR 3B सितंबर और अक्टूबर की नहीं फाइल करी है, तभी आपका GST e-way बिल जो है वो ब्लॉक किया जाएगा। नवंबर की GSTR 3B अगर फाइल नहीं है, अक्टूबर की अगर फाइल नहीं है, लेकिन अगर आपने सितंबर महीने की रिटर्न फाइल कर दी है, तो आपका e-way बिल ब्लॉक नहीं होगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो आपको शेयर किया था कि कंसेक्यूटिव दो मंथ किस तरीके से रीड किया जा रहा है जीएसटी पोर्टल पे। वो इस तरीके से रीड किया जाता है कि दो उस महीने को काउंट किया जाएगा जिस महीने की ड्यू डेट निकल चुकी है। इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं आपको दिखाऊं तो सितंबर महीने की जीएसटीआर 3B जो है वो अभी भी पेंडिंग है। अगस्त महीने तक हमारा जीएसटीआर 3B फाइल हो चुका है, लेकिन सितंबर महीने का पेंडिंग है और अक्टूबर का जो 3B है वो भी अभी पेंडिंग है। तो अभी हम लोग फाइलिंग करेंगे सितंबर महीने की जीएसटीआर 3B, और उसके बाद चेक करेंगे जीएसटी ई वे बिल पोर्टल को अनब्लॉक करने का क्या प्रोसेस है, क्या उसके अंदर ब्लॉक होता है या नहीं, वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं फाइल करता हूं सितंबर महीने की जीएसटीआर 3B, और उसके बाद अक्टूबर और नवंबर की जो रिटर्न्स हैं वो स्टिल ड्यू रहेंगी, क्योंकि अक्टूबर का फिगर्स और नवंबर का फिगर्स अभी रेडी नहीं है। अब यहां पे आते हैं जो हमारे पास क्वेश्चनेयर्स हैं और जो फील्ड्स हैं, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी भरी हुई हैं। आप लोगों को ये सब चीजें पता ही है कि जीएसटीआर 3B कैसे भरनी है, क्या चीज डिटेल्स इसके अंदर डालनी होती हैं। तो यहां पे हम लोगों ने जो फिगर्स डाला है वो सारा फिगर्स हमने यहां से क्रॉस चेक कर लिया है, और अगर आप चाहते हैं अपनी जीएसटीआर 3B करेक्ट तरीके से भरे, कोई गलती उसके अंदर ना हो, तो इसके लिए आप क्लियर टैक्स का टूल यूज कर सकते हैं, जिसमें आप जीएसटीआर 2A का रिकंसिलेशन 20% कैलकुलेशन को चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। साइन अप लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां जाकर के उसे रेफर कर सकते हैं। यहां पे एक बार टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाईज जो है उस फिगर्स को जरूर क्रॉस चेक करें अपनी जीएसटीआर 3B को रिटर्न फाइल करने से पहले, क्योंकि काफी लोग जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट में आकर के गलती करते हैं और अपनी जीएसटीआर 3B सही तरीके से नहीं भर पाते। अगर आप कोई ऐसी सप्लाई करते हैं जो कि इंटर स्टेट है और अनरजिस्टर्ड पर्सन को है, तो वो टेबल 3.2 के अंदर देना मैंडेटरी होता है, जैसे कि इस केस में हमने डाला हुआ है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो है वायोलेशन ऑफ रूल्स होता है, जिसके लिए आपको पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। उसके बाद है हमारे पास टेबल नंबर 4, जो कि एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट का अमाउंट है, वो हमने एक बार क्रॉस चेक कर लिया। सारे फिगर्स को हमने क्रॉस चेक कर लिया है, अब हम लोग चलेंगे जीएसटीआर 3B की फाइलिंग की तरफ। यहां पर फाइलिंग करने के लिए प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे, और जो हमारा एडजस्टमेंट है वो एक बार हम लोग चेक करेंगे कि सारी चीजें सही तरीके से एडजस्ट हो गई हैं या नहीं। सब चीज एक बार करेक्ट हो जाने के बाद जो आपका चालान बनता है वो चालान आपको जमा करवाना है, और उसके बाद मेक पेमेंट और पोस्ट क्रेडिट टू लेजर वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपकी लायबिलिटी जो है वो सेट ऑफ हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने अपनी लायबिलिटी को सेट ऑफ कर दिया है, अब यहाँ पे हम लोग 3B को फाइल करेंगे।
फाइल करने के लिए प्रोसीड टू फाइल बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है उसे सिलेक्ट करने के बाद ऑथराइज सिग्नेटरी एंड फाइल GSTR 3B विथ EVC। अब यहाँ पे जो हमारे पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे जो EVC आया होगा, इस EVC को यहाँ डाल के अपना GSTR 3B जो है उसको सक्सेसफुल्ली हमने सितंबर 2019 के महीने के लिए फाइल कर दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे कि GST ई वे बिल का जो पोर्टल है वो किस तरीके से वर्क करेगा, क्या अब हमारा GST का ई वे बिल पोर्टल ब्लॉक होगा या नहीं। तो यहाँ पे अब दोबारा से मैं आपको अगर दिखाऊं तो दोबारा से हम लोग चलते हैं GST ई वे बिल के पोर्टल पे और उसमें हम लोग फिर से सर्च करेंगे और चेक करेंगे क्या स्टेटस शो हो रहा है, क्या वो अभी भी ब्लॉक दिखा रहा है, क्या वो अनब्लॉक हो चुका है। अगर अनब्लॉक नहीं हुआ है तो अब क्या करना है, दोबारा से जाना है सर्च टैब पे अपडेट ब्लॉक स्टेटस और उस GST नंबर को यहाँ पर आप डालेंगे जो आपका ब्लॉक हो चुका था और जिसकी रिटर्न आप फाइल कर चुके हैं। फाइलिंग करने के बाद आपको यहाँ पे दोबारा से डेटा जो है वो अपडेट करना होगा। अब इसको हम लोग सर्च करेंगे, ये अभी भी ब्लॉक स्टेटस ही दिखा रहा है। अब यहाँ बताया गया इफ द लेटेस्ट रिटर्न फॉर दिस GST हैज बीन फाइल्ड इन द कॉमन पोर्टल प्लीज क्लिक द फॉलोइंग बटन टू अपडेट द स्टेटस। क्योंकि हमने GSTR 3B ऑलरेडी फाइल कर दिया है लेकिन यहाँ पे अभी भी ब्लॉक स्टेटस दिखाया जाता है, तो इसको एक्टिव करने के लिए आप यहाँ से अपडेट अनब्लॉक स्टेटस फ्रॉम GST कॉमन पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो आपका जो सिस्टम है उस चीज को रीड करेगा कि आपकी GSTR 3B किस किस महीने की फाइल हो चुकी है, क्या वो पिछले 2 महीने जिसकी ड्यू डेट निकल चुकी है वो फाइलिंग है या कंप्लीटेड नहीं है। अकॉर्डिंगली आपका ब्लॉकिंग और अनब्लॉकिंग का जो स्टेटस है उसको पोर्टल पे अपडेट किया जाएगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया है यहाँ पे अनब्लॉकिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है, वो अब GST के पोर्टल में जल्द ही अपडेट होगा। ये आप देख पा रहे हैं जैसे ही हमने रिटर्न फाइल किया है यहाँ पे अब हमारे पास मैसेज शो हो रहा है द स्टेटस ऑफ दिस GST हैज बीन चेंज टू अनब्लॉक As per the GST common portal, now e-way bills can be generated for the particular GST number. अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि मैंने सिर्फ और सिर्फ सितंबर महीने की अभी तक GSTR 3B को फाइल किया है, अक्टूबर 19 और नवंबर 19 की GSTR 3B जो है वो फाइल नहीं हुई है लेकिन हमारा GST e-way bill अनब्लॉक कर दिया गया है। That means कि आपको सिर्फ और सिर्फ उन 2 महीने की returns फाइल करनी है जिसका ड्यू डेट निकल चुका है, जिसका ड्यू डेट अभी तक फॉल नहीं किया है वो इस पीरियड के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। काफी लोग इस चीज को लेकर के बार बार सवाल उठा रहे थे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अब हमारा स्टेटस जो है वो नॉन ब्लॉक्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर आपको ब्लॉक करने के बाद ई वे बिल को अनब्लॉक करने से रिलेटेड जो है ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अक्टूबर महीने का 3B पेंडिंग है और हमारा नवंबर महीने का जो 3B है वो भी पेंडिंग है। सितंबर महीने की फाइल होते ही हमारे पास ई वे बिल का सिस्टम जो है उसको अनब्लॉक कर दिया गया है। वही चीजें यहां भी लिखी गई है कि ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी इज ब्लॉक्ड आइदर एज अ कंसाइनर और कंसाइनी विद रिस्पेक्ट टू दोज टैक्स पेयर्स हु हैव नॉट फाइल्ड GSTR 3B रिटर्न फॉर द लास्ट 2 consecutive months। ना तो वो कंसाइनर के रूप में निकाल पाता पहले GST ई वे बिल, ना ही कंसाइनी के रूप में GST का ई वे बिल जो है वो निकाल पाता क्योंकि 2 महीने की GSTR 3B उसकी अभी भी पेंडिंग थी। लेकिन उस पेंडेंसी को खत्म करने के लिए आपको सिर्फ 1 महीने की रिटर्न भरनी है जिसका ड्यू डेट पार हो चुका है और जिसका ड्यू डेट अभी फॉल नहीं किया है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि अगर आपका GST ई वे बिल ब्लॉक हो गया है GSTR 3B की नॉन फाइलिंग की वजह से तो अब आपको क्या करना है, कौन सी रिटर्न पहले फाइल करनी है ताकि ई वे बिल जो है वो अनब्लॉक हो सके और आपके बिजनेस में कोई भी इम्पैक्ट ना आए। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको GST से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसमें भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।